हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल कटलेट। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बड़े बॉल में 3 बड़ा आलू डालेंगे। आलू को हमने बॉयल कर लिया है। 1 कप मकई का दाना है जिसे हमने नमक डालकर उबाल लिया है। 1 कप ताज़ा मटर है, इसे भी हमने उबाल लिया है। 1 कप फूल गोभी है, इसे भी हमने उबाल लिया है। 1 बड़ा गाजर ग्रेट किया हुआ, 1 छोटा शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कप हरा धनिया पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 6 से 7 काजू बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 नींबू का रस, 1/2 कप ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने पसंद के सब्जी ले सकते हैं। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कटलेट बनाएंगे। कटलेट बनाने के लिए हम मिश्रण को हाथों में लेंगे। जैसे आपको पसंद हो छोटा बड़ा कटलेट आप बना सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हम सारे कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। घोल बनाएंगे। घोल बनाने के लिए हम एक बड़े बॉल में 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पतला घोल तैयार करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इतना घोल तैयार करने में हमने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए, इसी तरह का पतला घोल होना चाहिए। कटलेट को हम घोल में डीप करेंगे, इस तरह से निकालेंगे और तुरंत ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट को बनाकर तैयार करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल का अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कटलेट को अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। टिक्की को पलट लेंगे। मीडियम आंच पर अच्छा फ्राई करना है। कटलेट को हमने अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के बचे हुए कटलेट को भी फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, मिक्स वेजिटेबल कटलेट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।